हेलो फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हेल्दी और नमकीन ये कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाए तो क्या कहने, और उसमें भी घर का बना हुआ बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार नमकीन। आ गया ना मुंह में पानी सुनते ही। तो आइए, आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है पफ राइस नमकीन या मुरमुरा चिवड़ा। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस करना है आपको, जिससे कि मेरी रेसिपी तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मुरमुरा चूड़ा बनाने के लिए मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें आप आपकी चॉइस के अनुसार प्लस माइनस कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा दरदरा धनिया पाउडर है ये, साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और काला नमक, सादा नमक, अमचूर पाउडर, सौंफ, ड्राई कोकोनट के मैंने इस तरह से लंबे और पतले टुकड़े कर लिए हैं, मूंगफली के दाने, ये मैंने रोस्टेड चने लिए हैं, इसकी जगह आप चने की दाल आती है रोस्टेड वो ले सकते हैं, या मैंने चना दाल तली हुई यूट्यूब पर इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है वो भी आप इसमें ले सकते हैं। और करी पत्ता हमें लेना है, हींग, तेल और ऑलमोस्ट एक बड़ा बॉल मैंने मुरमुरा लिया है या पफ राइस जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें ये मुरमुरे डाल लेते हैं, और इसको हम ऐसे ही बिना तेल के हमें सिर्फ इस तरह से दोनों हाथ से चलाते जाना है और इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और हमारा चूड़ा बहुत ही एकदम क्रिस्पी, हल्का, टेस्टी बनेगा। इस तरह से ये मुरमुरे को मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। इसका सारा मॉइस्चर निकल गया, एकदम हल्के और क्रिस्पी हो गए हैं ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। ये इस तरह का मुरमुरा नमकीन हम शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। ये इतना स्वादिष्ट होता है कि चाहे जितना खा ले, पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरता है। बहुत ही टेस्टी, छोटी छोटी भूख के लिए तो बहुत ही एप्रोप्रिएट नमकीन रेसिपी है ये। अब हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम सबसे पहले मूंगफली के दाने तल लेंगे। अब ये मूंगफली के दाने पहले मैं थोड़ी हाई फ्लेम रखी थी, अब धीमी फ्लेम कर दिए, होने आ गए हैं। इसी में अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जीरा हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। और इसमें अब हम डाल देते हैं ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट के पीसेस है वो भी इसमें साथ में पिंक कलर के हो जाएंगे। थोड़े से दाने होने आ गए हैं, उसी समय हमने कोकोनट डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है करी लीव्स का इसमें, ये भी साथ में इसके हो जाएगा। सबको मिक्स करते जाएंगे, बहुत खुशबू भी आ गई एकदम करी पत्ता डालते से, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ गई है। इसमें हम सूखी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर ये करी पत्ता और सूखी हरी मिर्च को एकदम कुरकुरा करना चाहिए हमें, नहीं तो इसका मॉइस्चर रह जाएगा तो हमारा चूड़ा भी सौगी हो जाएगा। अब ये देखिए कोकोनट के पीसेस भी पिंक कलर के होने आ गए हैं, करी पत्ता भी क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये रोस्टेड चने, मैंने आपको बताया इसकी जगह आप चने की दाल ले सकते हैं, और या तली हुई चने की दाल की नमकीन जो रेसिपी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धीमी आंच रखनी है और थोड़ी भारी कढ़ाई ली है मैंने, जिससे कि ये बहुत ही हल्का हल्का सोते होते होते जाएगा और क्रिस्पी भी होगा सब। अब हम इसमें डाल देते हैं हींग, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चूड़े में, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून हींग लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ, सौंफ का फ्लेवर भी चूड़े में बहुत अच्छा आता है नमकीन में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ, बहुत। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं डालना चाहिए मुरमुरे में लाल मिर्च पाउडर,
बहुत जल्दी स्पाइसी हो जाता है। हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आप आपकी इच्छा अनुसार और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमको लेना है हाफ टी स्पून, थोड़ा दरदरा धनिया पाउडर है, एकदम बारीक नहीं। आप चाहे तो साबुत धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साबुत धनिया का भी। और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ये अपने पफ राइस मुरमुरा, मिक्स कर देते हैं। बहुत ही हल्के क्रिस्पी हो गए हैं, हमने पहले इसको रोस्ट कर लिया था इसलिए। अब सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, दोनों हाथ से इस तरह से मिक्स करेंगे। भारी पैंदे की कढ़ाई हो तो हम फटाफट कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा जलने की या उसकी टेंशन नहीं रहती है। इसकी थोड़ी सी भारी कढ़ाई ले तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी भी कढ़ाई लेनी चाहिए। इस तरह से हम दोनों हाथ से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा ये काला नमक जो है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा ये काला नमक। हम इसमें मिक्स करते हैं, काला नमक नहीं है तो आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर एक हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा, या आप चाट, मैंने बोला चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और आप इसमें पीसी हुई शक्कर भी मिक्स कर सकते हैं यदि आप पसंद करते हैं, तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट चाहें तो पीसी हुई शक्कर मिक्स करेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। चूड़ा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला मुरमुरा चिवड़ा तैयार है। फ्रेंड्स तो आप भी जरूर बनाइए ये टी टाइम मुरमुरा चिवड़ा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे एंजॉय कीजिए। और मेरी इस रेसिपी को भी अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।